अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू इज़रा रसोई। आज हम बनाएंगे खिचड़ी खट्टा, हैदराबादी डिश है ये। तो ये भी खिचड़ी की तैयारी है। एक बड़ा साइज़ प्याज का और नमक, गरम मसाला, अदरक लहसुन पेस्ट, हल्दी और धनिया पत्ती और एक चार मिर्ची। और ये चावल है, मसूर की दाल की खिचड़ी है ये। चावल और मसूर की दाल धो के मैं रेडी करके रख चुकी हूँ 15 मिनट पहले। बस अभी हम शुरू करते हैं खिचड़ी बनाना। 2 बड़े चम्मच तेल, 3 गरम हो जाए तो प्याज डाल देना। हाई फ्लेम पे करना है। प्याज जरा लाल हो जाएगी तभी हमको अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे। हल्की ब्राउन हो चुकी है प्याज, अभी हम डालेंगे अदरक लहसुन पेस्ट। ये भी थोड़ा सा पक जाए, ज़रा सा ब्राउन हो जाए तभी हम हल्दी, मिर्ची जो हरी मिर्ची रखी है वो, धनिया पत्ती ये सब डालेंगे। अदरक लहसुन भी थोड़ा सा ब्राउन हो गया है। अभी हरी मिर्ची काट दी हूँ मैं, कोई अक्खी भी डाल सकते हैं बीच में से चीर के। मैं छोटे छोटे पीस करी हूँ थोड़ा। ये है हरा धनिया, ये हल्दी, अभी पानी डालना है। आपके चावल कैसे है उस हिसाब से पानी डालना है आपको, कितना लगता है। तीन ग्लास डाली हूँ मैं, अभी डालना है मुझे। 4 आदमी के लिए पक रहा है ये, तो अभी 3 ग्लास चावल पानी डालना है। अभी ये नमक डाल देंगे और एक गरम मसाला। ये 6 ग्लास बराबर। अभी ये ज़रा पक जाए फिर इसमें चावल डालना है। पानी अच्छे से पक जाता है उसके बाद ही चावल डालना है इसमें। थोड़ी देर ढक के रख देंगे। पानी देखिए सब पक गया, अच्छा
खोल रहा है। अभी हम चावल डालते हैं। ये देखिए, अभी 10 मिनट लगेंगे, बस तैयार हो जाएगी खिचड़ी। ढक के रख दें। ये देखिए तैयार हो गया, पूरा पानी सूख गया है। का पानी सूख गया है, थोड़ा बहुत है। अभी इसको हम तवे के ऊपर दम पे रखेंगे तो और अच्छा होता है। एकदम स्लो आंच पे ऐसे तवा रख के इसके ऊपर ऐसे रख देना है दम पे। ये देखिए ऐसे, तो जो भी अगर थोड़ी बहुत कनी रहती है चावल में वो भी हो जाएगा, गल जाएगा, अच्छे से दम हो जाएगा। 5 मिनट रखिए सिम पे एकदम। ये देखिए खिचड़ी दम हो चुकी है, अच्छे से तैयार हो गई है। ठीक है, अभी हम खट्टे की तैयारी करते हैं। सींग दाने का खट्टा है ये, अभी इसको रोस्ट करना है। इसको रोस्ट करेंगे और इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, लहसुन, हरा धनिया और इमली का पानी। ये इमली भिगा दिए हैं, बाद में इसका पानी निकालेंगे। अभी फिलवक्त हम ये रोस्ट करते हैं सींग दाना। ठीक है, पैन गरम हो चुका है, अभी सींग दाना रोस्ट करना है। ये अच्छा से रोस्ट हो चुके हैं, ये देखिए। अभी ये ठंडे होंगे तो इसका छिलका निकाल लेंगे, ठंडे ही निकालेंगे। पहले ही निकाल के रख देंगे हम, क्योंकि उसको पीसना है ना, उसमें इमली का पानी लगता है। इस चटनी पीसते हैं हम लोग खट्टा, इसको सींग दाने की चटनी भी बोलते हैं और खट्टा भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें इमली का पानी जाता है। ये मिर्ची डाल देंगे, नमक है और 10-15 कलियां लहसुन की है और ये है हरा धनिया। इसको थोड़ा बारीक कर लेंगे, फिर इसमें इमली का ये जो पानी निकाल के रखी हूँ डाल के इसमें पीसते जाना है। पहले मैं इसको थोड़ा सा बारीक कर लेती हूँ। ये ऐसे बारीक हुआ है तो इसमें अभी हमको इमली का खट्टा दाल डाल के पीसना है। इसको अभी जितना आपको बारीक होना चाहिए, एकदम जितना पतला चाहे उतना आप पतला कर सकते हैं। देखिए वापस से पीस लेती हूँ मैं। ये देखिए ऐसा बारीक है, और थोड़ा डालना है पानी इसमें। इतना हो गया है और थोड़ा डालेंगे पानी, थोड़ा सा बचा है ये पूरा डाल देंगे। आपको जितना खट्टा है, हमको ज़रा खट्टा ज़्यादा लगता है। ये देखिए तैयार है चटनी एंड इसको खट्टा। ये देखिए चटनी तैयार है, और इसमें ये पतले पतले स्लाइस प्याज के काट के डालना है, बहुत टेस्ट आता है। अभी हमारी ये चटनी तैयार है खट्टा के, दो नाम है तो खिचड़ी खट्टा, खिचड़ी के साथ खाने के लिए ये खट्टा तैयार है सींग दाने का। बस अभी खाने के लिए तैयार है। आपको अगर मेरी रेसिपी खिचड़ी खट्टा हैदराबादी डिश है ये जो आप पसंद आई है, तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू, खुदा हाफिज़।